program by using loops. इस प्रोग्राम में जस्ट मैंने प्रोवाइड किया कि सम गाइडलाइंस टू क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लूपिंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट वन, मोस्ट ऑफ केस इन सभी केस में देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी केस में पैटर्न एग्जैक्टली सेम है, बस सेम क्वेश्चंस को राइट डाउन करने के वे डिफरेंट डिफरेंट है. वन बाय वन डिस्कस करें इस केस में एग्जैक्टली मीनिंग क्या है. जस्ट प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था प्रोग्राम वन, किसी भी प्रोग्राम्स को कंप्लीट करने के लिए टोटल फोर सेशंस पॉसिबल होंगे. इनिशियलाइजेशंस, कंडीशंस, बॉडी एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बिहेवियर. इस केस में जैसे इस लूप्स को फॉलो करने के केस में अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म में नंबर्स को डिस्प्ले कराना, फर्स्ट वन राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. सपोज तो अगर आपके पास कोई भी रेंज है, इस केस में 1 क्या, 1 इज अ मिनिमम रेंज, 2 इज 100. इस टाइप के प्रॉब्लम से सबसे पहले हमेशा आप खुद से राइट डाउन क्या करोगे, एक्सपेक्टेड आउटपुट. सबसे पहले मैं फर्स्ट केस सॉल्व कर रहा हूँ, केस ए, केस बी, केस सी, केस डी, फोर केसेस है. फर्स्ट वन वी आर डिस्कसिंग केस वन और केस ए. केस ए के रिस्पेक्ट में रेंज क्या है इस केस में, फ्रॉम 1 to 100. इन दैट केस व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. इस प्रोग्राम के केस में एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to 100. इन दैट केस जब भी सीरीज के रिस्पेक्ट में आपको लूप मैनेज करना है, लूप के रिस्पेक्ट में, इस केस में आउटपुट इंपॉर्टेंट मैटर नहीं. इस केस में अगर सीरीज के फॉर्म में अगर आपको लूप चलाना है, लूप को चलाने के इसमें सबसे पहले ऑब्जर्व क्या करोगे, इनिशियलाइजेशंस फॉर लूप्स. फर्स्ट वन इनिशियलाइजेशन, किसी भी सीरीज के अंदर इनिशियलाइजेशन किससे करा, वो ऑलवेज फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ द लूप. इसे इस केस में फर्स्ट इनिशियल वैल्यू क्या है, 1, इसलिए इनिशियलाइजेशन किससे कराएंगे, 1 से. नेक्स्ट केस, सेकंड केस, कंडीशंस. कंडीशन किसके रिस्पेक्ट में ट्रीट करोगे, 100 के, सॉरी लास्ट वैल्यूज के रिस्पेक्ट में. लास्ट वैल्यू क्या है, 100, इसलिए यूज क्या करेगा, आई लेस देन इक्वल्स टू 100. नेक्स्ट वन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशंस. इस सीरीज के अंदर एवरी वैल्यू, सभी वैल्यूज में एग्जैक्टली डिफरेंस कितने का, 1 का, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. प्रोवाइड क्या करेंगे, इंक्रीमेंट वाई 1, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 और आई प्लस प्लस. इसके बाद बॉडी सेशन में प्रोवाइड करेंगे रिक्वायर्ड ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन इस वेरिएबल्स या इन वैल्यूज के लिए परफॉर्म कराना है. सपोज दैट सारे जनरेटेड वैल्यू आपको सिंपली प्रिंट कराना है, डिस्प्ले कराना, तो सिंपली यूज क्या करेंगे इस केस में, एज अ प्रिंट एफ स्टेटमेंट, प्रिंट एफ परसेंट डी डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ 5. जैसे ही लूप ट्रीट हो, इसके अलावा रिमेनिंग सारी लॉजिक सेटिंग को मैंने ऑलरेडी पुट डाउन किए, लाइक properly writing main functions, void main, opening, providing variable declarations. इस केस में ओनली सिंगल वेरिएबल डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड, वेरिएबल आई, लाइक दैट. इस केस में फाइनली इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या डिस्प्ले होगा, सिंपली दैट वन. बट सपोज दैट इन नेक्स्ट केस, इसी केस में अगर ये सीरीज आपको रिवर्स ऑर्डर में परफॉर्म कराना, व्हाट डू मीन बाय रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर से पहले केस बी फिनिश कर दें. केस बी, इस प्रीवियस केस में एग्जांपल किसके रिगार्ड में, केस वन, केस बी, केस बी के रिस्पेक्ट में एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, डिस्प्ले ऑल काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1, 5 to 20. 5 to 20 के केसेस में मीन्स दिस वन इज केस बी. इस केस में एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 up to 20. अगेन इसके अकॉर्डिंग सीरीज में इनिशियल वैल्यू क्या है, 5, इसलिए आई का इनिशियलाइजेशन किससे कराएंगे, 5 से. इस लूप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 5 से, मीन्स फर्स्ट इनिशियल वैल्यू. कंडीशंस के प्लेसेस पर अभी भी सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो कर रहा है, इसलिए कब तक चलाना है, जब तक आई वैल्यू 20 से छोटा या 20 के इक्वलेंट, इसलिए कंडीशन में क्या यूज करेंगे, आई लेस देन इक्वल टू 20. अभी भी सभी वैल्यूज में एग्जैक्टली डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है, 1 का, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसलिए इस केस में अगेन क्या यूज करेंगे, आई प्लस प्लस देन डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ 5. जब ये लूप रिपीट होगा, फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या है, 5, 5 लेस देन इक्वल टू 20, ट्रू, डिस्प्ले क्या होगा, 5, क्योंकि आई का वैल्यू क्या है, 5. नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट होने से आई की वैल्यू क्या हो जाए, 6. नेक्स्ट टाइम 6 लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू, डिस्प्ले 6, एंड सो ऑन. नेक्स्ट वन केस सी, सेम केस फिर से इंप्लीमेंट करें विद रिस्पेक्ट टू केस सी. केस सी की केस में बात करें, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to n. प्रीवियस केस में क्या था, फिक्स था
1 to 100 or 5 to 20 like that. Constant value means initialize ने initial value भी कैसी थी constant range और maximum value भी क्या था constant. लेकिन इस केस में one thing clear starting कहाँ से करना भी one से लेकिन end कहाँ तक है up to n. means इस केस में expected output क्या like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up to value of n, where n का value 10 है then up to 10, n का value 100 है then up to 100, n का value का 1000 है then up to 1000. means n को finally run time पर keyboard से read कराना with the help of scanf functions. तो इसके साथ में extra variable क्या required हुआ, one more variable we are using maximum range as n. then n का value keyboard से read कराने के लिए use क्या करेंगे scanf functions. scanf percent d m percent of value of n. अभी भी सीरीज के किस में इनिशियलाइजेशन चेक कराएंगे तो इनिशियलाइजेशन किस हो रहा है f1 से y में असाइन क्या करोगे सबसे पहले i equals to 1 next one last value का इस केस में 20 या 100 के प्लेस पर n n may be 20 may be 1000 like that. इसलिए कंडीशन में क्या होगा क्या आएगा i less than equals to value of n. अगर रन टाइम पर आई n का वैल्यू 5 एंटर किया देन इसका मीनिंग क्या है i less than equals to 5. n का वैल्यू का 10 एंटर किया देन मीनिंग क्या है इसका i less than equals to 10 लाइक दैट. दिस द केस सी. अगर रिमेनिंग केस सेम रहे क्या इस केस में डिफरेंस कितने का बन का तो इसलिए परफॉर्म क्या करा 1 से इंक्रीमेंट. नेक्स्ट वन केस डी. केस डी के रिस्पेक्ट में क्या है इस केस में गिवन रेंज के लिए डिस्प्ले कराना. गिवन रेंज मींस फ्रॉम लाइक दैट a टू b. a to b अगर a का वैल्यू 5 है नहीं स्टार्टिंग कहां से कराना है 5 से 5 6 7 अप टू b. अगर a का वैल्यू 10 है देन स्टार्टिंग कहां से कराना है 10 से और b का वैल्यू को 20 देन 10 11 12 एंड 20. a का वैल्यू 100 है देन स्टार्ट कहां से को 100 से और b का वैल्यू अगर 1000 है देन कब तक परफॉर्म कराना होगा अगेन अप टू 1000 लाइक दिस. केस में स्टार्ट में इस केस में प्रोवाइड किया हो रहा मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज. मिनिमम और मैक्सिमम रेंज केस में मैंडेटरी कंडीशन क्या है ए शुड बी लेस देन बी और बी शुड बी ग्रेटर देन ए. इस केस में फाइनली रेंज क्या है स्टार्टिंग कहां से कराना ए से देन ए प्लस 1 देन ए प्लस 2 ए प्लस 3 एंड अप टू बी वेयर बी इज ग्रेटर देन ए प्लस एन लाइक दैट. नेक्स्ट इस केस में अगेन कीबोर्ड से वैल्यू में से इस केस में ए बी वेरिएबल और बी बी वेरिएबल है इसलिए कीबोर्ड से कितने वैल्यू रीड करनी नीड होगी टू वैल्यूज. इसलिए वेरिएबल्स की भी रिक्वायर्ड होंगे इस केस में ए कॉमा बी समथिंग. स्कैन ऐप के थ्रू टू नंबर रीड कराना मिनिमम और मैक्सिमम रेंज इसलिए यूज क्या करें टू टाइम्स परसेंट डी सप्लाइंग एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी. देन अब स्टार्टिंग किससे कराना सीरीज के अंदर ए से. ए मीन्स एनी इनिशियल नंबर जो कि रन टाइम पर एंटर हुआ कब तक परफॉर्म कराना है अप टू बी आई लेस देन इक्वल्स टू बी. अभी भी सीरीज में डिफरेंस कितने का है वन का. मीन्स दैट्स अ सूटेबल लॉजिक फॉर क्रिएटिंग और जनरेटिंग एनी रेंज. इस लॉजिक के थ्रू से आप बॉडी पार्ट इंपॉर्टेंट किस नहीं अगेन में डिस्कस करना. इसके में इंपॉर्टेंट किसका है इटरेटिंग और मैनेजिंग एनी लूप. अगर आपको कोई भी लूप किसी भी गिवन रेंज के लिए मैनेज करना है तो अभी सब कॉन्सेंट्रेट क्या करें थ्री केस इनिशियल वैल्यू कंडीशंस एंड डिफरेंस. क्लियर. नेक्स्ट वन वी आर एडिंग वन मोर केस. करंटली केस कौन सा था केस डी. दिस वन इज अ केस डी. बट सपोज दैट अगर आपसे बोला जाए इस प्रीवियस केस में सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो कर रहा था बट सपोज दैट वी आर हैविंग सम सीरीज लाइक 10 9 8 7 3 2 1 लाइक दैट. मीन्स 10 से लेकर 1 तक अगर कोई सीरीज मैनेज करना है इस सीरीज के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग लूप क्या रहेगा अगेन इनिशियलाइजेशन. इस सीरीज में इनिशियल वैल्यू क्या है 10 इसलिए आई में क्या साइन होगा 10. कंडीशन क्या है इस केस में मीन्स जब तक आई का मीन्स फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या आएगा 10 नेक्स्ट टाइम 9 नेक्स्ट टाइम 8 नेक्स्ट टाइम 7 नेक्स्ट टाइम 6 5 4 3 2 1 जैसे ही आई का वैल्यू 0 हुआ देन उस केस में टर्मिनेट करना है. इस केस में सारे के सारे वैल्यू कैसे हैं ग्रेटर देन 0. ये सारे वैल्यू इटरेट किसके थ्रू होंगे आई के थ्रू. इसलिए कब तक चलाना जब तक आई का वैल्यू 0 से बड़ा है या ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या 1.
देन डिफरेंस कितनी का, अभी भी वन का, लेकिन इस बार डिफरेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो कर रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसलिए यूज क्या करेंगे इसके, इसमें आई माइनस माइनस, देन अगेन डिस्प्लेइंग सिंपली वैल्यू ऑफ आई। इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लूप्स सीरीज के फॉर्म में मैनेज करना पॉसिबल है। ये प्रॉपर्टी नेक्स्ट प्रोग्राम्स में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल प्रॉपर्टीज होंगे।